बैठ जाओ। मनोज आ गया। मनोज एवं शुत्वा महादेवी गुरु निंदाम करोतिया पार्वती। इस प्रकार सुनकर जो गुरुदेव की निंदा करता है वह जब तक चंद्र और सूर्य तब तक घोर नरक में पड़ता है। यावत कल्पकांत को देहस तावत देवी गुरु स्मरे गुरु को न कर्तव्य भावे। कल्पांत तक जब तक देह है तब तक गुरु का स्मरण करें। यदि स्वच्छ मुक्त होने की इच्छा है तो गुरु का लोप न करे। हुंकारे न वक्तव्य प्रज्ञा शिष्य कदाचन गुरुग्रे न वक्तव्य असत्यम च कदाचन बुद्धिमान शिष्यों को कभी हूँ इस अहंकार या उपेक्षा वाले शब्द से बोलना नहीं चाहिए और गुरुदेव के सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुरुम कृत्य त्वम कृत्य गुरुम कृत्य त्वम कृतम निर्जित्यो वादतः तुम कहकर बात नहीं करनी चाहिए। आप कहकर बात करनी चाहिए तथा तर्क वितर्क के द्वारा गुरुदेव को जीत लेने पर भी क्षमा प्रार्थना करें अन्यथा निर्जल स्थान में ब्रह्म राक्षस होता है। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। कभी इतिहास में कहीं आता है कि गुरु का शिष्य सदगुरु का कि ब्रह्म राक्षस बनाओ छोटी योनि में जा पाया हो कभी नहीं। तो गुरु तो क्या है हर समय कृपा ही करते हैं। हर उनकी हर क्रिया में शिष्य का कल्याण होता है भला होता है। रामायण में उठाकर देखो इस समय काकभुशंडी जी बहुत पुरानी बात है उनके भगवान शिव की पूजा कर रहे थे बैठ के और उनके गुरुदेव सामने से निकल रहे थे उनको ऐसे देख भी लिया उनने और देख के भी गुरुदेव की तरफ से क्या कर लिया नहीं देखा ऐसे कर लिया जिनको देखा ही नहीं है और शिव जी की पूजा करने लग गए। अब भगवान शिव तो खुद बार बार गीता में गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं बार बार। गुरुदेव का अनादर उनसे सहन नहीं हुआ मैं पिंडी प्रकट हो गए और बड़े दुष्ट तू मुझे पसंद करता है गुरुदेव का अनादर करके जा तू 84 लाख योनि में चला जा। अजगर बन के सबसे पहले पेड़ की खो में जाके प्रारे जा। गुरुदेव दूर निकल गए थे पर दूरदर्शिता थी जब दृष्टि वाले थे वही जान गए मेरे शिष्य को शिव जी ने शाप दे दिया। वही तुरंत प्रकट हुए वही से सीधे प्रकट हो गए वही आ गए और क्या किया उन्होंने वहां पर स्तुति करी है कौन सी तो रात को हम करते हैं नमामि शमीशा निर्मल रूप शिवजी प्रसन्न शिवजी प्रकट हुए शिवजी प्रसन्न होकर बोले बोलिए प्रवर मुझे कैसे याद किया बोले गुरुदेव मेरा ये भगवान हे शिव जी मेरा ये बच्चा जो है नादान है मूर्ख है इसको नहीं पता इसको आप क्षमा कर दीजिए। बोले मेरा शाप तो अटल है अटल मीन्स न टलने वाला फिर भी आप इससे प्रसन्न है और मैं आपसे प्रसन्न रहता हूँ हर समय तो मैं इसको एक वरदान और देता हूँ 84 लाख में तो जाएगा पर इसको ये ज्ञान रहेगा ये 84 लाख योनि में क्यों गया है तो ज्ञान से इसको मतलब ये इसको ये भी बोध रहेगा हर समय कि मेरी इतनी मुक्ति भी होनी है इनसे मुझे छूटना है। जैसे जेल में एक होता है जेलर उसको मालूम है कि सुबह ड्यूटी पे आया हूँ शाम घर जाऊंगा और एक होते कैदी उनको बेचारे कब निकल के जाएंगे तो वो जेलर की तरह उसको शाप से छोटा करके सीढ़ी लगे छोटा कर दिया। मुनिर्भिन्न गैरवापी गैरवा शापितो यदि श्वेता शापितो यदि काल मृत्यु भयाद्वापि
गुरु रक्षति सर्वदा। यदि मुनियों से, सर्पों से अथवा देवताओं से शाप दिया गया हो तो शाप से, काल और मृत्यु के भय से गुरुदेव सदा रक्षा असक्ता ही सुराधस्य सक्ता मुनि अस्तदा गुरु शापताचीना संयाति न संशय देवादिक सामर्थ रहते, मुनि सामर्थ रहते, गुरु का शाप में क्षय हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। मंत्राज मदम देवी वृत्तिचरम दयम वेदांत वाक्याना गुरु साक्षात परम पदम ये देवी श्रुति और वेदांत वाक्यों में गुरु या दो अक्षर मंत्राज है, गुरु साक्षात परम पद है। गुणातीतम् गुकारम रूपर्जितम् गुणातीतम रूपञ्चम् योऽस्य गुरुस्मृति गुकार ग्रहों से अतीत है, गुकार रूप से रहते, जो ग्रहों से अतीत और रूप रहते वे गुरु कहलाता। श्रुति स्मृति में विद्याय केवलं गुरु सेवका संन्यासी ने प्रोक्ता त्रिवेश धारिणा श्रुति स्मृति को न जान कर भी जो केवल गुरु के सेवक है वही सन्यासी कहलाते हैं, अन्य केवल सन्यासी के भेषधारी है यदि गुरु की सेवा नहीं करते हैं। गुरु की सेवा कौन सी है, ये नहीं कि गुरु के पैर दबा रहे हैं, गुरु के और काम में लगे ना, जो गुरु आज्ञा दे उसका पालन करना असली गुरु की सेवा होती है। गुरु कृपा प्रसाद देन आत्मा राम वही लभते अनेन गुरु मार्गेण यंत्र ज्ञान प्रवर्तते गुरुदेव की कृपा के प्रसाद से परमात्मा स्वरूपिणाम् परमा भी जगन्मयम् ब्रह्मा से छोटे पौधे पर्यंत परमात्मा के स्वरूप है, जगन्मय स्थावर जंगम परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। वंदे सदानंदम् जगद्गुरु नित्यं पूर्णं निराकारम् स्वात्मस्थितम् स्वरूप भेद से अति नित्य पूर्ण आकार रहित गुण रहित स्व आत्मा में स्थित जगत गुरु की मैं वंदना करता हूँ। किसकी वंदना कर रहे हैं शिव जी, जो आत्मा में स्थित हो गया है, उस स्थिति को प्राप्त कर गया, अपने आप को भूल जाता है कि मैं संजय हूँ, मैं राजीव हूँ, मैं चैनपुरी हूँ, मैं नागर हूँ, मैं राम सिंह हूँ, अपने आप को भूल के उस आत्म स्वरूप में दृष्टु स्वरूप अवस्थानम स्वरूप शून्य में समाधि जीवात्मा समता अवस्था क्या करते हैं, जो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गया है, अपने आप को भूल गया है भगवान से, उसके लिए कह रहे हैं मैं उसकी वंदना करता हूँ। क्या समझ में आ रही है, उसकी वंदना हो रही है यहाँ पे। प्रात परम तरम देहम नित्यम अंधकारकम् हृदयाकाश मध्यस्थम स्फटिक सन्निभम् परे से अत्यंत परे ध्यान करने योग नित आनंद करने वाले हृदय आकाश के मध्य स्थित शुद्ध स्फटिक मणि के समान कांति वाले स्फटिक मणि प्रतिमा रूप दर्पण में दिखाई देती है, उसी आत्मा चेतन आकार में आनंद स्वरूप आनंद मैं ही हूँ। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम् जायते चिन्मात्रम् तद स्फूर्ति भावोया पश्चत् कथाम्यम् चेतन स्वरूप अंगुष्ठ मात्र पुरुष को हृदय में ध्यान करने से जो भाव स्फूर्ता है देखो उसको मैं कहता हूँ,
अगोचरम तदागम्यम अगोचरम तदागम्यम उपनामादिवर्जितम उपनामादिवर्जितम तम तुम जानिया तुम जानिया वावो ब्रह्म पार्वती वावो ब्रह्म पार्वती। पार्वती इंद्रियों का अविषय अगम रूप नाम आदि से रहित शब्द रहित को ब्रह्म का स्वभाव जाने अर्थात मन का निर्विकार मौन वादी ब्रह्म में जैसे गूंगे का जो स्वाद को सुखता है ना ब्रह्म वाले को वो मौन हो जाता है बड़े शांत होने लगता है धीरे धीरे। गीता में कहा आपूर्य मालम मचने प्रतिष्ठम समुद्र मापक शांति अद्वत तद्वत काम शांति सब शांति मापनोती प्राप्त कामी। क्या करते हैं जो नदी नाले होते हैं समुद्र में मिलकर के शांत हो जाया करते हैं सारे ना लाश समुद्र होता है ऐसी वो साधक वो योगी धीरे 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 धीरे